Hey guys, hi, welcome to Shweta's Magic. So today I'm making a kitchen makeover kind of हॉल वीडियो और मैंने अपने किचन मेकओवर का सोचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ्लिपकार्ट से खूब सारे आइटम्स मंगाए जाएं एंड मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं परचेज करूँगी ये सारी चीज़ें एंड मैंने परचेज कर ली हैं। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरे जितने भी न्यू वीडियोज़ होंगे उनका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं अपने किचन के लिए, तो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये टी एंड शुगर कंटेनर्स एंड दिस इज स्टेनलेस स्टील के ये कंटेनर्स हैं। एंड अगर आप इनकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और रेट की बात करें तो रेट है 400 में मुझे, यानी 399 में मुझे ये टू कंटेनर्स पड़े हैं। एंड कलर काफ़ी क्यूट है, मुझे रेड और येलो काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप मतलब येलो आप टू येलो और थ्री का पैक भी ले सकते हैं। मैंने टू का पैक लिया है बिकॉज मुझे टू का पैक ही चाहिए था। एंड इफ यू वांट तो आप एक कंटेनर और ले सकते हैं, थ्री का, फोर का, जितने भी आप चाहें। तो मुझे तो ये काफ़ी क्यूट लगे एंड मैं इसमें अपना टी एंड शुगर रखूंगी। एंड क्वालिटी तो आपने देखी है काफ़ी अच्छी है, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। सी, और जो इसका ये जो पेंट है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना अच्छा क्वालिटी है और कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे तो ये दोनों काफ़ी अच्छे लगे, रेट वाइज भी सही है, 399 में दो पड़े हैं मुझे। और आई गेस अगर आप थ्री का पैक लेंगे या फोर का पैक लेंगे तो थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको इनका लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो ये तो है मेरा पहला प्रोडक्ट और अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की ओर। तो जो मेरा दूसरे प्रोडक्ट है वो है ये हैं कांच के जार्स, आपने देखे ही होंगे काफ़ी आजकल इन है ये और मुझे भी लेने थे ये, देख सकते हैं। ये मैंने थ्री का सेट मंगाया है और बेसिकली ये एयर टाइट होते हैं, कांच के होते हैं, तो काफ़ी केयरफुली यूज़ करिएगा। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये हैं 300 में, मुझे तीन पड़े हैं। एंड मैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स रखूंगी और आप चाहे तो इसमें मसाले भी रख सकते हैं। एंड किचन के पर्पस के लिए मैंने लिया है और मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। देखिए इसमें ये लेड लगा हुआ है, अच्छे से ये एयरटाइट हो जाते हैं, देखिए। कांच का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है गाइस, तो मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप कि कांच का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और अच्छे खासे एयर टाइट हैं, ये देखिए। और मैं तो इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स रखने वाली हूँ। एंड रेट की बात करें तो रेट के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छे हैं, 300 समथिंग मुझे पड़े थे ये तीनों, तो मैंने तीन परचेज कर लिए हैं। एंड तो ये मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है। तो अब हम अपने थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये ट्रे। सी, ये रोटेट भी होती है एंड ये भी मुझे, मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये काफ़ी यूजफुल है आपके किचन के लिए, इवन नॉट ओनली किचन, आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकते हैं एंड आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज यूज़ के लिए होता है। मैंने तो बेसिकली अपने किचन के लिए मंगाया है और मैं इसमें अपनी रिफाइंड की बॉटल्स, ऑयल की बॉटल्स या फिर अपनी सॉस की बॉटल्स, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं इसमें रखूँगी। एंड अगर आपको किचन में यूज़ नहीं करना है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए, आप अपने ड्रेसिंग टेबल में, आपके अपने स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी प्राइस की बात करें
तो गाइज ये 365 रुपीज में पड़ा है और ये जो मटेरियल है ये प्लास्टिक का है। काफी अच्छा लग रहा है, बाकी मैं इसको यूज करने के बाद ही बता पाऊंगी कि ये कैसा है। एंड मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, क्यूट सा प्रोडक्ट है। एंड इफ यू लाइक तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो चौथा प्रोडक्ट है, अब उसके बारे में चलते हैं उसकी तरफ, वो मैंने लिए हैं ये चार फोटो फ्रेम्स। तो ये इस तरीके से आप देखिए, वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। ये चार फोटो फ्रेम्स हैं, ये लिए हैं मैंने। एंड इसमें सब में कोटेशन लिखे हुए हैं, स्टॉप सेइंग टुमारो एंड डोंट से दैट इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैंने थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स की तरफ जाते हुए ये वाले लिए हैं। एंड इफ यू वांट तो आप किचन के से रिलेटेड भी कोटेशंस लिखे हुए ले सकते हैं। एंड मुझे लगा कि इस तरीके से लेंगे तो मैं कहीं भी लगा सकती हूँ इसको, तो मुझे तो काफी क्यूट लगे और काफी अच्छा। इसकी फ्रेमिंग की बात करें, इसकी क्वालिटी की बात करें, तो ये काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं गाइस। और इफ यू वांट टू परचेज, एंड ये काफी चीप है, मतलब सबसे अच्छा जो इसका रेट है वो आप देखकर इसको झटपट से ले लेंगे। आई गेस ये 284 में पड़े हैं, ओनली चार फ्रेम्स, तो मुझे तो काफी क्यूट लगे और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने किचन के लिए लिए हैं और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, तो मुझे तो काफी अच्छे लगे। एंड इफ यू वांट तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये क्यूट लिटिल बास्केट। एंड ये हैंगिंग वाली बास्केट है, लाइक आप इसको हैंग कर सकते हैं। एंड ये काफी यूजफुल है गाइस, अच्छा खासा इसका चौड़ा है, आप इसको कहीं भी मतलब हैंग करके इस तरीके से इसमें सामान रख सकते हैं। इसका क्वालिटी देखिए कितना अच्छा है, मतलब पेंट भी काफी अच्छा है। और मैंने बेसिकली अपने किचन के लिए लिया है, आप इसको बाथरूम में भी लगा सकते हैं, शैम्पू की बॉटल्स एंड ऑल यूज कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इसको किचन के लिए लिया है और कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, किचन क्लॉथ्स, किचन टॉवल्स एंड मैं सॉस की बॉटल्स हैं, या आप इसको डिश वॉशर वगैरह इसमें सब कुछ रख सकते हैं। सो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड इफ़ यू लाइक तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इसका रेट की बात करूँ तो आई गेस ये 400 का मुझे पड़ा था। मैं आपको इसका प्राइस जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहां से जाकर देख सकते हैं इसका प्राइस भी, इसका क्वालिटी सब कुछ। तो मुझे तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का मिला है एंड काफी यूजफुल है बिकॉज इट्स हैंगिंग, आपको ड्रिल नहीं करना पड़ेगा इसको हैंग करने के लिए, तो मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। एंड तो गाइस आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। एंड जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये क्यूट लिटिल्स हुक्स, और ये स्टिक हो जाते हैं, आपको ये मल्टीपर्पज यूज किए हैं और मैं इनको काफी दिनों से ढूंढ रही थी। मैंने पहले जो लिए थे वो काफी अच्छे थे और मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, फिर मैंने फ्लिपकार्ट में देखा तो मुझे फ्लिपकार्ट में इस तरीके से क्लिप्स मिले हैं। एंड अब मैं इनको यूज करूंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि ये स्टिक रहते हैं या गिर जाते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे शॉप से जब ये वाले इस तरह के क्लिप्स लिए और जब उनमें सामान हैंग किया तो थोड़ी देर बाद वो सामान जो है वो गिर जाता है, तो मैं इसका रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी कि ये कैसे हैं। तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया और अभी मैं इसको यूज़ करूंगी तो आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्या है, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे क्या करते हैं इसका। तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे और मैं पहले ऐसे यूज़ कर चुकी हूँ एंड आप इसमें कुछ भी हैंग कर सकते हैं। आई गेस 2-3 केजीज वजन ये उठा लेंगे, तो अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ये मेरे को 169 रुपीज में पड़े हैं एंड आई गेस 14 और 15 पीसेज हैं इसमें, तो ये मैंने लिया है एंड मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी अपनी चीज़ें लगाने के लिए। और हम ड्रिल नहीं कर सकते हैं कई बार, तो फिर इस तरीके से होक्स आपको काम में आते हैं।
तो ये लिया है मैंने. एंड लास्ट प्रोडक्ट जो मेरा है वो है ये क्यूट लिटिल कटलरी. सी दिस बॉक्स वाज वेरी क्यूट, मतलब मुझे काफी पसंद था और मैं काफी समय से इसको देख रही थी. मैंने इसको मॉल में भी देखा है एंड हर जगह मैं इसको देख चुकी हूँ, पर मैंने इसको मार्केट 99 आई गेस से मंगाया है. एंड ये मुझे 400 का पड़ा है और इसकी MRP तो 699 रुपीज़ है. मुझे 400 अराउंड समथिंग पड़ा है. मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको जाकर ले सकते हैं. मुझे तो ये काफ़ी पसंद है. आप इसमें आराम से देखिए सेक्शन बने हुए हैं और इसमें आप नाइफ्स, स्पून्स, फोक्स एंड सर्विंग स्पून्स कुछ भी आपको रखना हो आप वो इसमें रख सकते हैं. तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगे एंड इफ़ यू लाइक तो आप भी जाकर परचेज कर सकते हैं इस तरीके से और अपने किचन को एक अच्छा सा मेकओवर दे सकते हैं. तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये सारे आइटम्स आपको कैसे लगे. एंड अगर आपको कुछ भी इनमें से पसंद आता है तो मैं इन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.